नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कुमार सांडिल टोटल कुकिंग में। आज हम आपको साग आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी बताने जा रहे हैं। हमारे हिमाचल में यह डिश बहुत घरों में बनती है और इसको हम भुज्जू बोलते हैं। ज़रूर ट्राई करें, यह खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। और यह रेसिपी साग और आलू से बनती है, बहुत ही ड्राई होती है, मज़ेदार होती है, ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें साग कटा हुआ, प्याज कटा हुआ, टमाटर कटे हुए, अदरक लहसुन कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, साथ में कुछ भारतीय मसाले चाहिए। इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिटेल डाल दी हुई है, आप वहाँ भी इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डालकर गर्म कर लें और इसमें साबुत धनिया, जीरा, मेथी और लाल मिर्च डालकर थोड़ी देर तड़का लें। जैसे ही मसाला पक जाए, अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डालकर लगभग 40-50 सेकंड तक सौते कर लें, अच्छे से इसको भून लें। अब इसमें हींग डालें और साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर मसाले को सुनहरा भूरा होने तक पका लें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और मसाले को अच्छे से पका लें। अब टमाटर डालें, टमाटरों को भी अच्छे से पका लें। जैसे ही टमाटर पक जाए, अब इसमें हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको तेल छूटने तक पका लेंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डालें और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। अब बारीक कटे हुए आलू डालकर इसमें मिक्स करें और थोड़ी देर मसाले के साथ भून लें। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और जीरा पाउडर डालकर आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लें। अब बारी आती है बारीक कटा हुआ हरा साग डालने की। इसको आलूओं में डाल दें और थोड़ी देर तक पकाएं और जो बाकी का बचा हुआ साग है उसको भी डाल लें। अच्छे से मिक्स करें क्योंकि हरे पत्ते काफ़ी पानी युक्त होते हैं और इनसे पानी निकलता है, तो इसको थोड़ी देर बिना ढके ही पकाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अब इसमें पानी छूटने लग गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे और जो हमारा पानी है ये थोड़ी देर सूख जाए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पत्तों से पानी खुद ही निकल रहा है। अब हम इसको जो है थोड़ी देर पकाने के बाद इसको ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और आलू ताकि हमारे अच्छे से पक जाए। देखिए अब हमारा साग जो है लगभग पक चुका है, लेकिन आलू अभी कच्चे हैं तो इनको हमने अच्छे से पकाना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे, लगभग 4-5 मिनट तक ढक के जो है हमने इनको पका लेना है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मेरे द्वारा समय समय पर जो आपको वीडियो प्रस्तुत की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हमने ढक्कन हटा के दोबारा इसको अच्छे से कड़छी से हिलाना है और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दें ताकि आलू अच्छे से पक जाए। लगभग हमारी आलू साग की सब्जी जो है पककर तैयार है। इसको कड़छी से अच्छे से चलाएं और चेक कर लें, हाँ आलू अब पक चुके हैं। हमारी सब्जी लगभग तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, ज़रूर ट्राई करें। यह हिमाचल के अधिकतर घरों में बनती है और लोग इसको बड़े चाव से भी खाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।